गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक और नया व्लॉग हम बुटिंगला पास पे, और यहाँ से निकल रहे हैं हम ससीला के लिए। तो ससीला के लिए एक बीच में से एक रोड कटेगा, तो उस रोड को मैं दिखा देता हूँ कहाँ से रोड कट रहा है। तो वो सामने जो आपको गांव दिख रहा है, वहाँ से कहीं से राइट साइड में 10 किलोमीटर का एक पैच जा रहा है ऊपर की साइड। तो वहाँ हमें 10 किलोमीटर ससीला के लिए जाना है और वापस से आना है, और वापस फिर वहाँ से बटालिक के लिए जाना है। तो ससीला के लिए बहुत कम लोग गए और बहुत कम बिल्कुल भी एक्सप्लोर जगह नहीं है वो। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टावर लगा हुआ है, पूरा नेटवर्क आ रहा है यहाँ। तो फिर निकलते आगे और देखते आगे रोड कैसा है, बाकी करते हैं आपको अपडेट साथ में। चले फिर, तो यहाँ से निकलते हैं हम वो टिंगला पास से, और आगे लालुंग गांव है। तो लालुंग गांव से ससीला के लिए निकलेंगे, जो कि अनएक्सप्लोर जगह है बिल्कुल। और वापस से 10 किलोमीटर जाके ससीला, और वापस 10 किलोमीटर आएंगे। तो वो सामने गांव है लालुंग, और देखो कितनी सारी भीड़। पहले पुराना वाला रास्ता वो था, और अब नया रास्ता ये बना दिया। तो वो है हम्बू टिंगला पास, और वापस से नीचे उतरते हुए वो सामने रोड दिख रहा है जिग जग वाला, वो जा रहा है 10 किलोमीटर है आई थिंक, जैसे कि हमने रिसर्च किया है। तो मात्र 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना है, तो टाइम करीब 3:30 हो चुके हैं। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग वो लोग ससीला कवर करके और बटालिक सेक्टर की तरफ जाए वापस। एक शॉर्टकट तो लिया, पर थोड़ा खड़ा रोड आ गया एकदम। और बिल्कुल स्ट्रेच एकदम खड़ा स्ट्रेच एकदम। ऊपर बाइक फंस गई थी, बाहर निकल आई, कभी कभार शॉर्टकट लॉन्ग कट पड़ जाता है। ये यार नहीं, वेट कर रहा हूँ आगे कि कहाँ अटक गया मैं। लेने के चक्कर में यहाँ से उतरा था नीचे, क्या यहाँ से नीचे उतर गया था, फिर घर में घुस गया। वहाँ वापस गाड़ी घुमाई दो, कीचड़ हो कीचड़ घुमा के फिर होता है नीचे तो लगाओ। और इसमें तो ये लालुंग विलेज है, और यहाँ से अच्छा रोड कट रहा है। साफ इलाका, इस रोड पे ट्रैफिक भी नहीं है बिल्कुल। और कुछ बच्चे बिगड़े हुए हैं यहाँ, ये देख लो भाई लोकल लोग यहाँ पे। छोटू
कौन रखा छोटू? और ये कुछ ऐसे गांव है भाई, देख लो, जो कि बिल्कुल ही कटे हुए हैं। ये कुछ ऐसे गांव जो बिल्कुल ही शहर से कटे हुए हैं। किसी की बाइक खड़ी है, और दिल्ली नंबर की बाइक। यहाँ पे रोड नहीं, कच्चा रोड है ये पूरा। ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और काफी हाइट पे आ चुके हैं, और कोई यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भेड़ बकरी चल रही थी नीचे यहाँ पे, और कोई भी नहीं है यहाँ। बाकी आप लैंडस्केप देखिए, पहाड़ देखिए, बिल्कुल एकदम सूखे पड़े हुए हैं यहाँ पहाड़। और ये कुछ ये चट्टान है साइड में, राइट साइड में। ये ऊपर कौन सा पास है ऊपर? एक ऊपर कोई जगह है ना ऊपर, ससीला पास ऊपर। कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूरी पे? कितना किलोमीटर होगा? 2-3 किलोमीटर ज्यादा है। हाँ ससीला सामने ही है, ठीक है। हाँ दो घंटे क्या? हाँ जी सर, बाय बाय भाई। ये लोग मिले यहाँ पे बकरी चलाते हुए, बकरी तो नहीं चला रहे शायद, लकड़ियाँ लेके आए हैं शायद। तो जो मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा है कि यही ससीला पास है ऊपर जो लगा हुआ, यहाँ वहाँ से रोड नहीं है आई थिंक, हमें शायद पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। तो देखते हैं ऊपर जाने का कोई प्लान होता है या नहीं। बस देख भाई वहाँ से आ रहे वो हम्बोटिंग लसन ऊंचा, हाँ ये 4,500 मीटर से ऊपर है ये ससीला पास, और यहाँ से ट्रैकिंग है मुश्किल से 100 मीटर की ट्रैकिंग होगी शायद। और हम लोग जहाँ से आए थे ये रहा वो पास। तो अभी कुछ ऐसा प्लान हुआ है कि हमारी बाइक हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं, रोड नहीं है, कोशिश करेंगे अगर जाती है तो, और ऊपर मिलते फिर, ठीक है? चले चलते ऊपर बाइक लेके, थोड़ा रिस्की है पर ट्राई करेंगे। आ जाओ आ जाओ, तो यहाँ से कहीं से बाइक लेके ऊपर पहुँचते हैं। आगे एक सिलसिला लेक है पर उसके लिए ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो ट्रैकिंग ना करते हुए हम लोग वापस बटालिक की तरफ निकलेंगे यहाँ से। तो आगे से अच्छा वहाँ से लानी पड़ेगी, यहाँ से उतारते हैं अपनी बाइक नीचे।
ट्राई करते ऊपर तक बाइक जाती नहीं जाती। जा तो सकती है बाइक पर थोड़ा रिस्की है, पर कोई नहीं ले लेंगे। मिट्टी थोड़ी स्लिप वाली है, चारों तरफ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, दो बकरी है बस यहाँ पे। हल्की हल्की बाइक स्लिप हो रही है, चलो खींचे फिर मीटर ऊपर चले चले भाई। तो यहाँ से थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा अपने को, खींचे भाई खींचे स्पीड से, कहते ना स्पीड से। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड लेते हैं, डिग्री डिग्री पता नहीं अपने कितना डिग्री लो अब लो। अरे मैंने नहीं दूर से पता, किसी तरह से ले लेंगे भाई। मजाक करते हो, थोड़ा सा स्पीड। बाइक दिक्कत कर रही हूँ चढ़ने में, हल्की सी। यार थोड़ा पीछे लेता हूँ, आओ आओ। हाइट ज्यादा, वेट ज्यादा हो गया ना, सामान भी है। एक बार और मिट्टी आएगी, मिट्टी पीछे लो गाड़ी फंस जाएगी, नहीं करो घुमा के लगा। अच्छा ठीक है, साइड शिफ्ट कहाँ लगेगी यहाँ? अरे हैं लगेगा? नहीं लगेगा। वाह एक और बार खींचूंगी मीटर, ये देखो डस्ट ज्यादा है, मिट्टी है ना थोड़ी हार्ड होती है ना, हार्ड तो से चल जाती। ले भाई व्यू ऐसा है, वो रही मेरी बाइक आनी रही ऊपर, और ये सिलसिला पास काफी हाइट पे, सरसिला पास सासिला पास। तो फाइनली सासिला पास पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और सासिला पास का व्यू कुछ ऐसा है, ये सिर्फ ये किसी को भी पता लगता है कि सामने सासिला पास का व्यू, कि सासिला पास है या नहीं है ये,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, नाम सिर्फ ये पत्थरों का एक गुंबद सा बना हुआ है। और हम लोग काफ़ी दूर से वहाँ से आ रहे हैं और पूरा ऑफ रोड है, कच्ची रोड है, पूरी कच्ची रोड। तो ये देख सकते हो, ये ससीला पास है और आगे ससीला लेके लिए के लिए रास्ता जा रहा है। और वो अपनी बाइक है, यहाँ तक तो हम ले आए थे, बाकी साइड गेस्टन लगानी तो मैंने फिर बाइक को थोड़ी सी लिटा के वहीं पे छोड़ दिया। और मज़ा आया भाई, मज़ा फुल ऑफ एडवेंचर। बाकी लोगों ने नाम वाम लिख रखे हैं और ये कुछ ऐसा नज़ारे हमारे यहाँ के। आप भी आइए, ससीला पास करिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। हो सकता है ये भी एक टूरिस्ट में डेवलप हो जाइए ये पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे जब अभी हम आए। पूरा ऑफ रोड। तो और व्यूज़ देखिए आप सामने के, कैसे क्लाउड, क्या दिख रहे हैं क्लाउड, एकदम खतरनाक वाले। तो जो ये सामने दिख रहा ना पूरा, ये पूरा का पूरा पटाली सेक्टर है और ये इसकी पूरी पहाड़ियाँ। आई थिंक हो सकता है इन दो चार पहाड़ियों के पीछे हो सकता है पाकिस्तान की रेंज भी हो। की प्रोफेशनल ड्रेस है, एक बार जूम कर दिखा देता हूँ मैं, ये आर्यंस की ड्रेस है।